नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर कुछ फ्रेंड्स जो अपना पीएफ ट्रस्ट का पैसा निकालना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से अपना पीएफ ट्रस्ट का पैसा निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां पीएफ ट्रस्ट के अंतर्गत आती है, मतलब ईपीएफओ के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों पीएफ ट्रस्ट एक एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट होता है जो पीएफ के दायरे में नहीं आती। इसमें आपका जो पीएफ होता है सेम वैसे ही आपका डिडक्ट होता है जैसे ईपीएफओ में आता है, मतलब आपका 12% आपका एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है, 12% आपका एम्प्लॉयर का ही होता है। आपको इसमें पेंशन भी वैसे ही मिलती है जैसे ईपीएफ में मिलती है। बस इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपका जो सारा पैसा है वो आप निकाल सकते हैं, मगर आपका जो पेंशन होगा वो पेंशन के लिए आपको ईपीएफओ की साइट से ही निकाल सकते हैं। मतलब आपका समझ लीजिए जो आपका जो पैसा है ट्रस्ट में जमा हुआ है वो आपको अपने कंपनी के एचआर से बात करनी होगी, वहां से एक फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद वो आपका ट्रस्ट से पैसा निकल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को डिटेल में जानेंगे कि आपका एक टाइम पे सारा पैसा निकल जाएगा या आप कितनी बार उसको पैसा निकाल सकते हैं, और आपका पेंशन के पैसा निकालने के लिए क्या प्रोसेस करनी होगी, और ये भी जानेंगे कि आपकी कंपनी आती है नहीं आती है, वो लिस्ट हम कहां से देख सकते हैं कि आपकी कंपनी ट्रस्ट में आती है नहीं आती है। ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट एक और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों जो पीएफ ट्रस्ट कंपनियां होती हैं वो ईपीएफ के साइट्स में नहीं आती, वो अपना खुद का अपना एक ट्रस्ट खोल लेती है जिसके द्वारा अपना सारा पीएफ का पैसा अपने ट्रस्ट में जमा करती है। सेम प्रोसेस वही रहती है ईपीएफओ की तरह, जिसमें मेन कंपनियां हैं वो टीसीएस है, यूनिलीवर है, रिलायंस है, इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं। दोस्तों पूरे भारत में 1500 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो अपना पैसा खुद का अपने ट्रस्ट में सबमिट करती है, और इसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज में अपना पैसा ट्रस्ट में जमा करवाते हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी की लिस्ट देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने सर्च इंजन में यहाँ टाइप करना होगा ईपीएफओ, और ईपीओ टाइप करना सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक ऑप्शन आता होगा एग्जेम्प्टेड स्टेबलेस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड स्टेबलेसमेंट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीडीएफ टाइप की होगी, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 46 पेज मतलब 46 पेज का एक पूरी पीडीएफ शो हो जाएगी। ये पीडीएफ फ्रेंड्स उन कंपनियों की है जिनका खुद का ट्रस्ट है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ट्रस्ट के दायरे में आती है नहीं आती है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब कभी आप ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो आपका उसमें लिख के आ जाता है कि आपका जो पैसा है वो ट्रस्ट में जमा हो रहा है, तो आपको उसको वेरिफिकेशन करने के लिए आपकी कंपनी वास्तव में ट्रस्ट में पैसा जमा करती है या ईपीएफओ में करती है, तो यहाँ से आपकी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंपनी के नाम पे दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आप कंपनी की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं कितनी कंपनियां हैं, तो इस प्रकार से 46 पेज दिए हैं और टोटल इसमें आपकी जो 1552 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स ये बात हुई कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी कंपनी ट्रस्ट में है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स अगर आपका पैसा निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकलेगा, आपको अपने कंपनी के एचआर से बात करनी होगी। अगर आप एडवांस के रूप में पैसा निकालना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस वही रहेगी, आपको फॉर्म 31 यूज करना होगा। अगर आप फुल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 19 फिल करना होगा, और अपना पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 से अप्लाई करना होगा। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है आपका जो पेंशन का पैसा होगा वो आपका ईपीएफओ से ही विड्रॉल होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो पासबुक होती है आपकी बैलेंस वाली, वो आप ईपीएफओ में क्या होता है आपको पासबुक की डिटेल डाउनलोड हो जाती है, आप पासबुक देख सकते हैं, पैसा देख सकते हैं, मगर ट्रस्ट में आपकी पासबुक शो नहीं होती, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा आप ईपीएफओ पे आप ऑनलाइन क्लेम करके सारा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, मगर ट्रस्ट में अभी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको एचआर से कांटेक्ट करके फॉर्म लेना होगा और वही फॉर्म अपने ट्रस्ट में जमा करवाना होगा जिससे आपका पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप अपना फुल सेटलमेंट करते हैं तो आपका कंपनी छोड़ने के एक महीने के अंदर 75% तक अपना पीएफ का निकाल सकते हैं, और अगले महीने में आपको उसको जो बचा हुआ 25% होगा वो निकाल सकते हैं। मतलब आपको फर्स्ट महीने में 75% मिल जाएगा, नेक्स्ट 30 दिन के बाद आप 25% के लिए विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात आएगी आपका कि पेंशन का पैसा आप कैसे निकालेंगे, तो पेंशन के लिए आप ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा, आपको ईपीएफओ के साइट में करते हैं, आपको 58 साल के बाद में भी क्लेम कर सकते हैं, आपको इस प्रकार से पीएफ और पेंशन दोनों निकाल सकते हैं। अब बात आती है अगर आपका ट्रस्ट वाले जल्दी पैसा नहीं निकालते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, कहाँ पे आपको कंप्लेन करनी होगी, तो आपको करना क्या होगा, आपको ईपीएफओ की साइट पे ही इसके लिए ग्रीवेंस फाइल करना होगा कि आपका ट्रस्ट का पैसा नहीं दिया जा रहा, आपको इतना टाइम हो चुका है, वो आप जानकार से अपना ग्रीवेंस कर सकते हैं। मतलब ट्रस्ट की भी कंप्लेन आप ईपीएफओ के साइट से कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट भी ईपीओ से ही कहीं ना कहीं लिंक होती है। भाई हो दोस्तों आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन रहा हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो
इंस्टाग्राम आईडी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां मुझे फॉलो कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, फिर हम अपने डिटेल में आपके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्प लगी हो तो यार एक वीडियो को लाइक बनता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।